हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मेरे पास है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का स्पोर्ट्स वर्जन। आप ये फ्रेम में देख रहे हैं, येलो कलर की स्विफ्ट है स्पोर्ट्स वर्जन, जो कि बैंकॉक में सेल होती है। और भाई ये यहाँ पर कैसे आई? तो हम हैं ऑटो रेडी कस्टम पर और यहाँ पर स्विफ्ट कस्टमाइज की जाती है। और ये वाली जो स्विफ्ट कस्टमाइज की गई है, यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ 2.5 लाख रुपए में इसकी पूरा एक्सटीरियर चेंज कर दिया गया है। अपने इस वीडियो में आज हम लोग बताने वाले हैं इस स्विफ्ट के बारे में पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले आप देखिए इसके लुक। तो फ्रंट डिजाइन की अगर बात करेंगे, फ्रंट से आप सबसे पहले यहाँ देखिए इसका जो बोनट है वो काफी हैवी लग रहा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो कुछ येलो कलर में है। और यहाँ पर आपको जो लाइटिंग सेटअप दिया गया है वो ताइवान से इंपोर्ट किया गया है। और ये वाला जो लाइटिंग सेटअप आप देख रहे हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट के स्पोर्ट्स वर्जन में आता है जीटी में, जो बैंकॉक में सेल होती है। सेम उसी तरह का इसमें लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। नीचे आपको फॉग लैंप दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ चेंजेस इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये स्प्लिट प्लेट में आपको कार्बन फाइबर का यूज देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आपको यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये आप देखेंगे बॉडी कलर्ड ही मिलता है। नीचे अगेन आपको जो स्प्लिट प्लेट मिलती है उसमें कार्बन फाइबर का यूज देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर अगर हम फ्रंट डिजाइन की बात करें, तो फ्रंट डिजाइन से यह गाड़ी देखने में काफी प्यारी लग रही है, काफी मस्कुलर लग रही है। एंड एज आई सेड कि ये लंबोर्गिनी का एडिशन लग रही है नहीं लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब गाड़ी की रियर प्रोफाइल पे आते हैं, तो रियर प्रोफाइल में आप यहाँ पर देखेंगे आपको मॉन्स्टर स्टाइल स्पॉइलर मिल जाता है। इस किट में आपको मॉन्स्टर स्टाइल मिलता है, लेकिन इनके पास बैटमैन स्पॉइलर का भी ऑप्शन है, आप उसे भी यूज करा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको डिफॉगर नहीं मिलता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है, लेकिन कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो भाई ये टेल लाइट सेटअप देखो आपका। ये वाला जो टेल लाइट सेटअप है ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट के स्पोर्ट्स एडिशन में मिलता है, तो वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और नीचे की साइड आप ये जो फिनिशिंग देख रहे हैं, मोस्टली यहाँ पर जो स्प्लिट प्लेट होती है वो आपकी कार्बन फाइबर के साथ आती है और एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको एम स्पोर्ट्स टाइप के ORVMs मिल जाते हैं। इसके साथ ही बाकी साइड प्रोफाइल में आपको एज सच कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं। अब आपकी नजर जा रही होगी अलॉयज पर, तो ये जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं, वैसे देखने में काफी प्यारे अलॉय व्हील्स लग रहे हैं, लेकिन ये अलॉय व्हील्स कस्टमर के हैं, यानी इस कस्टमाइजेशन किट में ये इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शन जरूर होता है। इसके इंटीरियर में कौन कौन से काम किए गए हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ। इंटीरियर में सबसे पहले आप देखेंगे आपको जो यहाँ पर सीट कवर मिलते हैं वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं, कस्टमर ने इन्हें चेंज कराया है। और देखने में ये काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, काफी प्यारे लग रहे हैं, और इसके चलते ना गाड़ी का जो इंटीरियर लुक है वो काफी एनहांस हो रहा है। दूसरी चीज है इसका डैशबोर्ड डिजाइन। आप डैशबोर्ड डिजाइन यहाँ पर देखेंगे, आपको इस तरह का जो डैशबोर्ड है स्विफ्ट में वो मिलता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस तरह के कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं, एसी वेंट्स के साइड भी यहाँ पर यूज किए हैं, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक लग रहा है। और तीसरी जो चीज है वो है आपकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो की रेक्टेंगुलर है 10 इंच प्लस की इसमें स्क्रीन आफ्टर मार्केट यूज की गई है। दोनों साइड आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी नीचे वाला जो ये पूरा पैनल आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल स्विफ्ट की तरह ही आपको मिलता है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं किए गए हैं। लेकिन यस, यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो ये पैनल आप देख रहे हैं, इन पैनल का यूज आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। चौथी चीज आती है आपका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कार्बन फाइबर फिनिशिंग की दी गई है और इसके स्टीयरिंग व्हील को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, के चलते गाड़ी का जो इंटीरियर है वो अप टू द मार्केट हो जाता है। तो भाई ये चेंज किए गए हैं इसकी इंटीरियर में। बाकी आप डोर पैनल्स देख सकते हैं, डोर पैनल्स में भी कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। एसी वेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ वाले जो एसी वेंट्स है वो एकदम सिमिलर है, बाकी और मुझे कोई भी इस गाड़ी में चेंजेस नहीं लग रहा है। तो मैं इसके इंटीरियर के बारे में कहना चाहूंगी कि जिसने भी ये कस्टमाइजेशन किया है या कराया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कराया है। ऑटो डेडी कस्टम पर फिलहाल हम हैं और ये कस्टमाइजेशन के लिए फेमस है। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने 2 से 3 स्विफ्ट यहाँ पर देख ली है, एक स्विफ्ट का वीडियो मैंने पहले भी डाला है, आप उसे जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत हाईली मॉडिफाइड स्विफ्ट है और इसमें बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो काफी नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ आते हैं। और कंपनी का कहना है, ऑटो डेडी कस्टम का कहना है कि जिस भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करते हैं 1 साल की वारंटी होती है। हालांकि लाइफ टाइम की वारंटी ये होती है कि कभी भी किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सही करके दिया जाता है। तो कैसी लग रही है आपको मारुति सुजुकी की ये स्विफ्ट विद ऑल दीज कस्टमाइजेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक नया वीडियो या फिर नया कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए बाय बाय।